हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक शाही टुकड़ा। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 कप चीनी लेंगे, 1 कप पानी। चीनी मेल्ट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ी इलायची और रोबज़ा भी डाला है। अगर आपके पास रोबज़ा नहीं है तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम थोड़ी और देर के लिए उबाल आने तक कुक कर लेंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम एक साइड पे 5 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसे एक ग्लास की मदद से हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे ब्रेड को कट कर लेंगे। हमारी सारी ब्रेड कट के रेडी हैं। अब हम चाशनी को देखेंगे। हमारी चाशनी भी बन के बिल्कुल रेडी है। अब एक उबाला आएगा और फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। किसी कढ़ाई या पैन को हम गर्म करने के बाद इसमें एक कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गर्म होने के बाद हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को हमें अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। एक साइड से हो गया है, अब हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ब्रेड फ्राई करने के बाद इसे हम चाशनी में डिप करेंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद दूसरी स्लाइस डाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड इसमें डाल के चाशनी में कुछ सेकंड्स के लिए डिप कर देंगे। इनमें से एक्स्ट्रा चाशनी निकाल के इसे हम बाहर निकाल लेंगे। चाशनी से निकालने के बाद अब हम इसे ध्यान से कोकोनट पाउडर से कोट कर लेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग कर लेना है। इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को कर लेंगे। हमारा शाही टुकड़ा बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड